हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबीरॉक सीम्स। देन यहाँ पर मैं एक मैच कवर करने वाला हूँ वुमेन्स लीग का, एडिलेड यूनाइटेड वर्सेस सिडनी एफसी के बीच। तो बात करें मेरा टेलीग्राम चैनल, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। गाइस, हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है, सो बढ़ते हैं आगे। तो ऐसा है कि कल के मैच में ना कुछ ज़्यादा फोर्स नहीं है कि आप लोग ने खेलना ही खेलना है। एक्चुअली आपने देखा कि 10:30 बजे तक मैचेस हो जाएंगे इनके, शुरू से ख़त्म बिल्कुल 8 से 10:30, उसके बाद सीधा मैचेस शाम को शुरू होंगे 6:30। ये क्यों है? एक्चुअली इस कारण है, एक तो देखो संडे को कोई भी किसी भी फ्रेंचाइजी का मैच नहीं है क्योंकि इंटरनेशनल मैचेस चल रहे हैं। दूसरा, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का फाइनल मैच है, दैट्स वाई इन्होंने बहुत कम मैच ऐड किया और बहुत अच्छा किया। मैं होकर भी इतनी सारी वीडियो ना बना पाता और ना ही मेरी कल यूट्यूब पर ज़्यादा वीडियो आने वाली है क्योंकि मेरे को फाइनल पूरा देखना है, क्योंकि भाई मैं फुटबॉल मिस नहीं कर सकता। उसके बाद परसों से फिर रेगुलर हो जाएंगे क्योंकि कल में तो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि क्रिकेट का बहुत बहुत मैं मतलब दिल से टच होता हुआ मैच है। लेकिन जितने मैच मेरे से कवर हो सकते हैं मैं कर रहा हूँ। सबसे पहले बात करें इस मैच की, देखिए एडिलेड टीम कंटिन्यू हारती आई है और रैंकिंग के अंदर भी थोड़ी नीचे है और वोट्स के अंदर हम लोगों ने इसको नीचे दबा रखा है, जिस कारण सिडनी के जीतने के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा हैं। स्ट्राइकिंग पे आऊँ तो पी इबनी जैसी खिलाड़ी, एस कॉनर जैसी खिलाड़ी, वर्ड्स जैसी खिलाड़ी अगर जिस टीम में होगी, अगर फिर भी वो टीम अगर चल नहीं रही तो मैं इससे बढ़िया मैं नहीं कुछ कर सकता क्योंकि इबनी एक बहुत पुरानी खिलाड़ी है। दूसरी बात, ये पेनल्टी टेकर भी है, इसको पेनल्टी लेने की भी बहुत नॉलेज है, तो मैं इसके साथ जाऊँगा। और अगली जो हमारी है दैट वॉज वर्ड्स, तो मैं यहाँ पर लूँगा फियोना वर्ड्स को। फियोना वर्ड्स बहुत अच्छा खेल दिया, आई एम गोइंग विद वर्ड्स ऑल्सो। एंड ऑपोजिशन टीम की अगर बात करें तो एमली से मुझे तो कुछ खास नहीं प्रदर्शन मिला क्योंकि सीएनबी के खिलाफ ये चली थी, सीएनबी के बाद देखा जाए तो कहाँ चली। उसके बाद अगर मैं इसकी बात करूँ एडलेट की खिलाड़ी की एलाना, ये भी सीएनबी के खिलाफ चली थी, लेकिन एलाना एक बड़ी प्लेयर में आती है भाई, एक मेन बड़ी नहीं मेन प्लेयर में, तो मैं इसके साथ जाऊंगा। एंड बात करें मिडफील्डिंग की, देन सी वाइन को अगर आज मैं खेलता देखता हूं तो मेरे को बहुत खुशी होगी क्योंकि मैं चाहता हूं सी वाइन को आज भी चांस दिया जाए। उसके बाद ये भले ही किसी भी मिडफील्डर को ढंग से चांस दे ना दे, लेकिन ये तीन खिलाड़ी बहुत ज़रूरी है, सी वाइन और 2 स्ट्राइकर, ठीक है। और इनकी बात करें, हॉलम्स अच्छा कर रही है, हॉलम्स के बाद ब्लैक को तो मैं ड्रॉप करूँगा नहीं, ये तो आप समझदार हो। मैं मॉर्गन को ड्रॉप करने के लिए तैयार हूँ क्योंकि हॉलम्स फॉर्म में, अगर हॉलम्स फॉर्म में ना होती तो शायद मैं मॉर्गन को भी टीम में लेता, बट क्या करें, अब हमारे पास चांस है तो हम क्यों गवाएं। एंड डिफेंडिंग की बात करें तो यहाँ पे लूँगा सबसे पहली खिलाड़ी इनकी जो कि एन टॉबिन, ये बहुत अच्छी ग्रेटेस्ट फॉर्म में रहती है, हालांकि पिछले दिनों से कुछ चल नहीं रही, लेकिन मेरे को पता है फॉर्म आएगी, आज नहीं तो कल फॉर्म तो जरूर आनी है क्योंकि खिलाड़ी हैं, कभी आउट ऑफ फॉर्म तो कभी इन फॉर्म, जब इन फॉर्म हो तो फ़ायदा लो, आउट ऑफ फॉर्म हो तो दूसरों को नुकसान दो, सीधी बात है। एंड बात करें सी मैकलिन की, देन देखिए सी मैकलिन पिछले मैच के अंदर विदाउट एनी गोल, विदाउट एनी असिस्ट अच्छे पॉइंट दे गई, क्लीन शीट भी लग गई थी, दैट्स वाई पॉइंट मिल गए। एंड फेंटन की बात करें तो मैं फेंटन के साथ जाने वाला, फेंटन ने पिछले मैच के अंदर गोल किया था। सबसे बड़ी बात यह है कि 14 अक्टूबर के मैच में जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें मैंने शायद पता नहीं 2-3 डिफेंडर ली थी, मुझे याद नहीं है, बट मेरे को ये पता है मैंने फेंटन का बोला था कि चल सकते हो और ये गोल कर गई, ये बहुत अच्छा हुआ। उसके बाद 4 डिफेंडिंग की अगर देखा जाए तो अगर इनकी टीम के अंदर कोई भी खिलाड़ी खेलती है भले वो टोरी क्यों ना हो तो अभी आपने इसको लेना है। एंड बात करें गोल कीपिंग की, देन यहाँ पर ए ग्रोव को आप यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है ले लो। एंड बात करें कप्तान की, तो इनकी जो कप्तान रहने वाली है वो है हमारी टीम की पी इबनी, एंड वाइस कप्तान जो हमारी रहेगी वो है सी वाइन। लोगों ने ब्लैक को रखा हुआ है, वो इसलिए रखा है क्योंकि उसके पॉइंट ज़्यादा हैं, अगर पॉइंट देख के टीम बनाओगे तो ज़िंदगी भर हारोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।